हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना, आप सबकी फ्रेंड। आइए, आपका स्वागत है पारद किचन में। मैं आज गरम मसाला का पाउडर तैयार करने जा रही हूँ। गरम मसाले का पाउडर मैं पैकेट वाला नहीं यूज़ करती, मैं इस तरह से खड़े मसाले के साथ पाउडर बना करके रख लेती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या-क्या लेती हूँ, आइए जानते हैं। ये है सहजीरा, ये जीरा जैसा ही दिखता है, ये गरम मसाले के लिए यूज़ होता है। साथ में मैंने लिया है गोलकी के कुछ दाने, इसको मैंने 2 चम्मच से 3 चम्मच लिया है, तो ये 1 चम्मच गोलकी के दाना है। और ये गोलकी यानी काली मिर्च, और ये जायफल है, जायफल का भी मैंने हाफ टुकड़ा लिया है। ये दालचीनी थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में जार में डाल के इसको पाउडर बनाना है, तो इस तरह से हम इसको छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। लौंग, लौंग भी 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा पाउडर बना करके नहीं रखना होता है, नहीं तो उसकी खुशबू और स्वाद दोनों खत्म हो जाती है। ये छोटी इलायची, ये है बड़ी इलायची। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में सब हम लोग बारी बारी से डाल लेते हैं। दालचीनी, छोटी इलायची और ये रही बड़ी इलायची। अब इन सबों को जार में डाल करके इसको अच्छे से बारीक पाउडर पीस लेना है। देखिए, गरम मसाला का पाउडर इस तरह से मैंने जार में पीसा और इसको छान लिया है, छलनी से छान लिया है बारीक। अब इसके बाद जो बचे हुए पाउडर रहते हैं उसको फिर से जार में डाल देंगे। देखिए, बचा हुआ पाउडर, ये थोड़ा बड़ा दाना रह गया है, इसको हम लोग फिर से मिक्सी में डाल करके एक और बार पीस लेते हैं और फिर छलनी से छान लेंगे। देखिए, अब मेरा पाउडर बिल्कुल गरम मसाला तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, और ये मसाला आपके पैकेट वाले मसाले से बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो इसके साथ ये बचा हुआ मोटा दाना है, अब इसमें से गरम मसाला नहीं निकलेगा। आप इसको चाहें तो थोड़ा थोड़ा अपने मसालों में पीस कर इसको ख़त्म कर सकते हैं। और जो ये मैंने बारीक तैयार किया है गरम मसाले का पाउडर, इसको आप इस तरह से एयर टाइट डब्बे को में डाल करके इसको पैक कर लीजिएगा। हवा नहीं लगना चाहिए, इससे हवा से इसका खुशबू और फ्लेवर बिल्कुल ही बदल जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में। तो इसको जब ज़रूरत हो आप बस इसको हल्का हल्का सा लेके अपनी सब्जी में डालते जाइएगा। तो आज हमने गरम मसाले का पाउडर बनाना सीखा है, तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।